तो इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लो आप ही। ठीक है, वो पुराना रोला खत्म हो गया इसका। सिवी के एक्स है इस टाइम, तो एक और भी बुक करवाई हुई थी उसकी जगह पे। फिर उन्होंने कहा था कि फुल पेमेंट कर दो तो आपको ये गाड़ी मार्च तो आपने में पहले दिन ही आपने सोचा नहीं था कि करें ना करें, कि यही था नहीं, आप कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट तो यह था कि पता नहीं ये मार्च में पेमेंट पूरी देते भी हैं कि मार्च में गाड़ी गाड़ी देते हैं देते कि भी नहीं? हैं कि नहीं। ये तो डाउट ऑब्वियसली होता है क्योंकि अभी जो डिलीवरी करवा रहे हैं तकरीबन मेरे ख्याल से उसको साल का टाइम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ दाऊदुल हक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपकी खिदमत में आज हाजिर हूँ सस्ता सुनील मान जो गुरिया वाला, और आज मेरे साथ जो मौजूद हैं हुनैन भाई फ्राम डस्का सिटी। और आज ये इनकी गाड़ी है, आज इनका जो फर्स्ट इंप्रेशन और इनकी जो गाड़ी की डिटेल वगैरह इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम पाइन, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह करम सर। मॉडल क्या है सर? सर ये 22 मॉडल है, 2022 मॉडल। हाँ, ये 2 हफ्ते पहले इसकी डिलीवरी थी 25 तारीख को। तो इतनी जल्दी आपको ये डिलीवरी कैसे मिल गई है? यार पिछले साल एक्स बुक करवाई हुई थी तो उनके पास मेरे ख्याल से यूनिट ख़त्म हो गया था, तो शोरूम से कॉल आई है तो वो कह रहे हैं कि आप फुल पेमेंट कर दें अच्छा तो आपको मार्च के अंदर अंदर डिलीवरी दे देंगे। 31 मार्च की उन्होंने डेट दी थी, जिसमें 25 में उन्होंने दे दी थी। मतलब ये आपको अर्ली यूनिट्स में मिली है गुजरांवाला के? हाँ नहीं, ये बेसिकली रिंग रोड से जो उसका शोरूम है ना होंडा का, वहाँ से बुक हुई थी और वहाँ से ही डिलीवरी हुई है इसकी। अच्छा, तो आपको इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है जो नई जनरेशन की पुरानी जनरेशन से, वो क्या है? सिविक, सिविक है भाई, नहीं कोई कोई सिविक, सिविक कोई डिफरेंस होता है ना फिर भी, वो बताएं आप। उन्होंने पूरी गाड़ी बदल ली तो डिफरेंस पूछ रहा है? तो वो तो मुझे लग रहा है आपको इससे अच्छी चीज़ क्या लगी है, इसकी जो फ्रंट लुक अच्छी लगी है या इसका इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगा है पुरानी से, वो बताएं। अच्छा, सारा कुछ इसका अच्छा है, जिसने लगाए होते हैं ना पैसे उसके लिए सारा कुछ अच्छा होता है। ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक की, अगर हलाल के पैसे लोगे हों तो सब कुछ माशाल्लाह अच्छा लगता है जी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये LED जो है हैलोजन से? यार ये तो नहीं मुझे पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन पीली बत्तियाँ हैं। पीली बत्तियाँ हैं, LED हैं। एक मेरा आई बी मिस किया जी ना, दूसरी ये लेंस लगा हुआ है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं अब। तो ये वो ऑटो है के मतलब कॉर्निंग लाइट जहाँ जिस तरफ जाए उस तरफ होती है? नहीं, कॉर्निंग लाइट सिर्फ पाकिस्तान में टूसों की आती है और किसी की नहीं आती। गुड, तो ये फेक नहीं है, ये भी ओरिजिनल है? ये फॉग लाइट्स भी इसकी ओरिजिनल है, ये इसमें LED लगी हुई है। तो अब हम इसके इंजन की बात करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो इसका हॉर्स पावर कितनी है? यार इसकी मेरे ख्याल से कंपनी क्लेम इसकी जो हॉर्स पावर है वो 127 है, और इसका जो टॉर्क है उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। 180 है ना? 180 है, 138, 120, वो पता नहीं इसके ये जितना भी है चले। तो ये कौन सा RS है, कौन सी है? ये MCVT है। MCVT, ये MCVT इसकी ट्रांसमिशन है और ये ओरियल है। ओरियल है मतलब टॉप ऑफ दी लाइन नहीं है, मिडल मिडल वाला है। हम बैक साइड पे आते हैं, इसकी ये जो टेल लाइट्स हैं ये तो टेल लाइट्स कहते हैं ना इन्हें, पता नहीं परावा की बैक लाइट्स, ये काफ़ी अच्छी लग रही हैं मेरे ख्याल में। तो मुझे प्यारे जो इससे पहले वाला था एक्स उससे प्यारे लगी। भैया आपके पास दोनों नहीं है, आपको तो फिर मेरे मुकाबले की अच्छी लग रही है ना, वो देखो आपकी फेवरेट जा रही है। आपके पास तो वो भी है ना? हाँ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दोनों है। हाँ तो इसलिए आपसे पूछा ना आपको कौन सी अच्छी लगी है। मुझे दोनों ही अच्छी लगती हैं क्योंकि दोनों मेरे हक लाल के पैसों की हैं। वो बिल्कुल जी। अब इसका ये खोलें बोट, ये बटन लगा हुआ है, किस सेंसर है? बटन है, बटन है। ये हमारी कपड़ा है इसका फर वाला। अच्छा, 45 रुपये का लिया था मैं, अमीर लोग हैं हम। फ्लेक्सिंग, फ्लेक्सिंग, ये वाह। आगे आए जी, ये दिखाएं, ये स्टेपनी लगी हुई है। स्टेपनी, स्टेपनी कौन सी है? ये अलॉय है, अलॉय नहीं है सॉरी, स्टील है। और स्पेस सेविंग है दूसरी है? ये फुल साइज टायर है भाई। मैं मतलब इसमें मेडिकल किट वगैरह नहीं थी? मेडिकल किट क्या होती है? अब वो होती है जापानी गाड़ियों सारियों में होती है। ये जी डबल टोन के जो रिम्स हैं इसके 16 इंच के, ये दिखाएं ज़रा। इसकी जो स्टेपनी है पीछे वो जो है स्टील की है। तो आगे ये देखिए, ये भी कर्स बने हुए हैं। तो ये एक ये नीचे जा रहा है जो एंड तक जा रहा है, ये ऊपर वाला भी एंड तक जा रहा है। और इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो सेम ही कलर के हैं जो डोर का कलर है। इसके अंदर ये स्मार्ट एंट्री है जी, जैसे ही खोला है ये जो मिरर है वो भी साथ ही। जी डोर की बात करते हैं, ये इसकी डोर्स हैं, तो इसके अंदर ये लॉक्स हैं, ये जो मिरर का लेफ्ट राइट के लिए, ये इसके दोनों ऑटो, ये जो फ्रंट वाले हैं ये दोनों ऑटो हैं, बैक वाले जो मैनुअल हैं सिर्फ। और ये जो इसका जो ट्रंक ओपनर है ये देखें, ये साइड पर लगा हुआ है, इसका ये बटन है, यहाँ से दबाएंगे वो पीछे से खुल गया ट्रंक ओपन। तो यहाँ साइड पे भी इसके जो साउंड सिस्टम लगा हुआ है, ये साउंड सिस्टम मुझे नहीं पता कि बोस का या कौन सा है, मुझे ऊपर लिखा नहीं हुआ इसका, मुझे लग रहा है दूसरा ही होएगा।
ये इसके स्टेयरिंग के अंदर ये जो हमें क्रूज़ कंट्रोल का बटन मिलता है ये अडाप्टिव नहीं है, ये इसको कैंसिल करने का कैंसिल लिखा हुआ है, ये जो इसे ऊपर नीचे करने के लिए स्पीड के लिए, जैसे ये वॉल्यूम के बटन है, ये सोर्सेज वगैरह मतलब स्क्रीन के लिए, ये सॉन्ग को आगे पीछे करने के लिए, ये जो स्क्रीन का बटन है होम पे लाने के लिए, ये वॉइस कमांड भी है इसके अंदर, ये वॉइस कमांड का बटन दिखाएं जी, ये देखें ये वॉइस कमांड का बटन है, और ये अंदर ट्रिम लगी हुई है एक जो ब्लैक मटेरियल के अंदर है। तो अब इसके गियर की तरफ आते हैं, तो इसका जो गियर है वो MCVT आई है, तो इसके में और इसका जो ये जो है दरमियान वाला वर्जन, इसका जो RS वर्जन है उसके अंदर सिर्फ गियर बॉक्स का वो है चेंज है, तो इसकी वजह से इसकी हॉर्स पावर का उसकी 178 है, इसकी 127 है, और इसके अंदर ये इकोन है, इको का बटन है, ये जो पार्किंग ब्रेक वो पार्किंग ब्रेक है जो बटन वाली है, और ये ब्रेक होल्ड का बटन लगा हुआ है। और अभी जी बात करते हैं इसके क्लाइमेट कंट्रोल की, जो ड्यूल जोन है ये इस तरफ का अलग है, इस तरफ का अलग है, और पीछे का जो एक ही है, तो ये रियर का है, ये फ्रंट का है, ये AC का बटन लगा हुआ है, और ये मैक्स कूल का बटन लगा हुआ है, और ये ऊपर इंडिकेटर्स का बटन है, और ये इसकी नॉब्स हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, और ये जो इसकी जो सबसे ज़्यादा इन्होंने इसको हाईलाइट किया है, इसकी हनीकॉम ग्रिल्स, इसकी फील काफ़ी अच्छी है, स्टील की लग रही है मुझे, इसके अंदर ये स्पेस दी गई है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये वो होएगी क्या कहते हैं वायरलेस चार्जर, बाहर वाला वायरलेस चार्जर है, पाकिस्तान में नहीं दिया इसका, ये वो चार्जर के लिए दो पोर्ट्स दी गई हैं। और अब इसके आर्मरेस्ट की बात करते हैं जी, ये इसका आर्मरेस्ट है, जो स्पेस इतनी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ये काफ़ी नीचे तक सामान पड़ा हुआ है, ये अंदर से दिखाएं तो ये देखें जी काफ़ी अंदर तक सामान पड़ा हुआ है, तो बाकी सामान रख देते हैं, तो इसे बंद कर देते हैं, ये काफ़ी खुला आर्मरेस्ट है जैसे क्रूज़र वगैरह का होता है। बात करते हैं जी ये इसकी लेग स्पेस की बैक की, ये सीट फुल पीछे है, और ये आप देख सकते हैं ये मैं कितना खुला डुला होकर बैठा हुआ हूँ इसमें, ये देखें काफ़ी खुला, नीचे भी मेरी टांगे नीचे गई हुई हैं फुल रेस्ट, इसमें जो बम्प वगैरह वो हल्का सा है, हल्का नहीं काफ़ी ज़्यादा बम्प है, ये मुझे लग रहा है इसके गियर बॉक्स की वजह से होगा, और इसकी सीट पिछले से बहुत ही कम्फर्टेबल हैं इसकी सीट्स। और अब इसकी बात करते हैं, ये भी आर्मरेस्ट दिया गया है इसका, इसमें भी कप होल्डर्स दिए गए हैं दो, तो काफ़ी अच्छा है ये भी कि हैंड की जो रेंज के अंदर है, इसके साथ ये इन्होंने पीछे सीट बेल्ट दी गई हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ जी, ये दिखाएं, ये देखें, ये चाइल्ड लॉक दिए गए हैं बच्चों के लिए, ये जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आजकल पाकिस्तानी कार्स के अंदर, ये नहीं आ रही, और ये जो प्लास्टिक लगेगी ये साइड के ऊपर, ये देख लें, और ये जो है वो लेदर सीट्स हैं जो पाकिस्तानी मौसम के लिहाज से मुझे नहीं लग रहा ठीक होएंगी। तो इसके बैक डोर की बात कर लें, ये भी एक स्पीकर दिया गया छोटा सा जो साउंड साउंड करता है, एक ये नीचे दिया गया है बड़े वाला ये वाला, और ये एक यहाँ पे है होल्डर ग्लास होल्डर, ये इसका बटन है, और इसके ऊपर जो सबसे अच्छी चीज़ जो सनरूफ है जो पाकिस्तान में कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, और उसके पीछे पाकिस्तान की फ्लैगशिप सीरीज़ का जो एंटीना लगाया गया है जिसके ऊपर होंडा ने आज तक इतनी गाड़ियाँ भेज दी हैं वो लगा हुआ है, और पीछे ओरियल की बैजिंग भी हुई है। अब मुझे सबसे पहले जी आप इसकी फ्यूल एवरेज के बारे में बताएं, इसकी फ्यूल एवरेज कैसी है? यार इसकी जो फ्यूल एवरेज है अच्छी है, तकरीबन 10 के करीब दे देती होती है। और लॉन्ग पे? लॉन्ग पे अभी इसको लेके नहीं गया मैं, लॉन्ग पे आप डस्का से रोज आते हैं, लॉन्ग ही हो गया 70-80 किलोमीटर बन जाता है, 33 किलोमीटर। तो अब मुझे ये बताएं कि जो आप ये जैसे स्पीड ब्रेकर आया है, आपके जो डस्का के रोड हैं जाते हुए तो ठीक है, अक्सर आपके रोड वहाँ पे टूटे हुए हैं, तो उन पे ये लगती है नीचे कैसी है इसकी, जो पिछली ग्राउंड एक्स के मुकाबले कैसी है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस? यार ग्राउंड क्लियरेंस तकरीबन इसकी एक्स के जितनी है, दूसरा अगर कोई भी अगर आपकी कोई भी गाड़ी है उसको बॉडी किट भी लगी हुई है उसको इंसानों की तरह चलाओगे तो कहीं भी नहीं लगती। हाँ इनकेस आपका गाड़ी में वजन ना ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा पीपल ना बैठे हों, और इसकी सस्पेंशन क्योंकि इसकी जो आपको पता है करोला वगैरह की सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट होती है होंडा की, उसके मुकाबले बहुत जो है ना हार्ड है, तो इसकी कैसी है? इसकी स्मूथ ड्राइव है काफ़ी, पिछली के मुकाबले काफ़ी स्मूथ है, और आपके पास एक कल्टस भी है तो उसके मुकाबले कैसी है इसकी? आपने सॉरी आपने के मुँह से कल्टस निकला है, अल्टस बोला है, अल्टस है, अल्टस, हाँ जी जी, उसके मुकाबले कैसी है उसके अल्टस का? फिर इसका कोई मुकाबला तो नहीं ना है, सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं करोला का इसका मुकाबला कर रहा हूँ ना, नहीं इसकी ज़्यादा अच्छी है उससे, उसे काफ़ी अच्छी है। हाँ मैं बताएं कि इसके ऊपर जो क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं इसके मीटर वगैरह पे, पहले तो ये एक एनालॉग मीटर है इसका जो रेस वाला है स्पीड जिसको आप कहते हो जी,
और RPM इसका डिजिटल है, बाकी इसमें मुख्तलिफ चीज़ें शो होती हैं। आपकी इस टाइम जो मेन्यू खुला हुआ है उसमें आपकी एवरेज है, उसके बाद आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी हुई है, ये फ्यूल का टैंक का बता रहे कितना है, उसके बाद अगर अभी ये इसको बैक करते हो हम कपड़न दबा के, उसमें आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कोई मैसेज आए, अपना डिस्प्ले कस्टमाइज़ कर लो, सेटिंग्स वगैरह, मेंटेनेंस की इंडिकेशन देता है आपको, ड्राइवर अटेंशन के कुछ फीचर हैं इसके जो कि मैंने अभी तक नहीं चेक किए, स्पीड एंड टाइम है, मैं बेसिकली इसको रेंज एंड फ्यूल पर रख के चलाता हूँ, क्योंकि स्पीड तो इसकी यहाँ पर भी शो हो रही है तो उसका फ़ायदा नहीं है कोई, अभी रेंज एंड फ्यूल पर मैं मोस्टली चलाता हूँ। इसकी ट्रैक्शन कैसी है? ट्रैक्शन कंट्रोल माशाल्लाह अच्छी है इसकी। वो इसका क्रूज कंट्रोल अडैप्टिव है कि दूसरा है? नहीं अडैप्टिव नहीं है, ये दूसरा साथ अभी है। तक लगाया? हाँ। कैसा है? अच्छा रिस्पॉन्सिव है। हाँ आज सुबह ही लगाया था। अच्छा आते हुए। हाँ तो इसका जो ये स्क्रीन है ये इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है? हाँ एप्पल कारप्ले भी है और एंड्रॉयड भी है। तो आपको एप्पल पता नहीं शायद है कि नहीं, यूज नहीं किया अभी तक आपने? आईफोन यूज कर रहे हैं, अपने कारप्ले नहीं यूज किया? यार पता नहीं, मैंने भी इसको इसकी इतनी गहराई में नहीं गया, बिजी रूटीन की वजह से। तो मुझे इसके अंदर इतना गैप लैग तो नहीं लग रहा? क्लियर हो जाता है? नहीं इसमें पता नहीं, वैसे नहीं है सिंपल ब्लू ये कारप्ले कह रहा आपसे एप्स ठीक है वो ढूंढ लेना आप, मुझे लग रहा है इसके अंदर एंड्रॉइड या ऑटो कारप्ले नहीं होगा। नहीं है ना? नहीं नहीं हाल तो नहीं है। एंड्रॉइड स्क्रीन लगाई है, ये इंटरनेशनल वेरिएंट में ये भी नहीं आती। तो आपने इसके अंदर सिम डाली हुई है? नहीं नहीं वो प्रूफ, लेकिन 4G शो कर रहा है, नजर आ रहा है आपको? ये वैसे भी डाल ही रहा है। तो इसके अंदर आपने ट्रैकर वगैरह लगा लिया हुआ है? हाँ ट्रैकर लगा हुआ है इसमें, कंपनी जो प्रोवाइड करती है। अच्छा आप इसके अंदर और जो फीचर्स हैं वो उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं जी। यार इसकी ये जो है डिस्प्ले आप कहते हो जो मेन मीटर है आपका, यहाँ पे आप इसकी लाइटिंग भी मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा वो मुझे लगा वो नॉब लगा हुआ है इसका। कौन सा दिखाएं? ये नॉब, ये वाला नॉब। अच्छा ये इसकी लाइटिंग का? हाँ बाकी तो वो नीचे वाला नॉब जो है नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल का है जी, और दूसरा जो आपकी हेडलाइट की लेवलिंग है उसका जी, बाकी ये तो सिंपल साइड मिरर वगैरह के कंट्रोल होते हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स के जी, और इसमें इन्होंने लग्जरी क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है, ड्राइवर साइड का लैदा हो सकता है, पैसेंजर साइड का लैदा, अगर आपने सिंक करना तो सिंक हो जाएगा, ये दोनों सिंक हो जाएंगे। हाँ तो पीछे वाले का अलग है? पीछे वाले का भी नहीं, जो ड्राइवर साइड के ऊपर है ना उसका वही होगा बैक साइड का। अच्छा तो इसके अंदर ये ग्लास होल्डर, ये ग्लासेस होल्डर इन्होंने दिया है। अच्छा और इसका जो सनरूफ का, सनरूफ यूज करते हैं आप? सनरूफ पाकिस्तान में कौन यूज करता है जितनी मिट्टी होती है यहाँ पे? ये तो बात है, लेकिन हमने एक बार यूज किया था आपको याद होगा फंक्शन पे, उससे अच्छा हाँ, तो किसी ने यूज नहीं किया होगा क्वाली नाइट पे, लेकिन तब ये गई वाली गाड़ी नहीं थी ना। और ये वैनिटी मिरर लगे होंगे यहाँ पे? हाँ दूसरी साइड पे भी है, दोनों साइड्स पे दिखाएं। वो भी लाइट्स वाला है कि वो दूसरा? नहीं सिंपल है, ये भी सिंपल ही है। ये क्या लगे हैं ये बटन? दो ये स्टॉपर है यार, ये रबड़ के। अच्छा रबड़ के एक और पास। अब हमें आप ये बताएं आपने इस पे कितने पैसे खर्च किए हैं अभी तक? यार ये जब हमें मिली है 53 लाख की थी विदाउट बुकिंग? नहीं टोटल 53 की थी, उसके ऊपर बाकी जो नंबर वगैरह का खर्चा आ जाता है। हाँ तो मैं जिस दिन आपकी डिलीवरी थी मैंने उस दिन आपको मैसेज भी किया था कि इसका जो 2.5 लाख रेट भी बढ़ गया अगले दिन, याद है आपको? 25 की 25 को हमारी नहीं, हमें एडवांटेज का तो कोई मसला नहीं था, ये है कि हमने फुल पेमेंट क्लियर कर दी हुई थी। हाँ तो वो से आपको 2.5 लाख अगर आप बेचने भी जाते हैं आप इसको 3-4 लाख आप ऊपर ही बेचे? नहीं ओन नहीं, ओन तो नहीं बेचनी चाहिए वो वैसे तो भी। 2.5 लाख रुपया तो वैसे ही कंपनी की तरफ से ज़्यादा हो गया ना, तो वो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपको जो इसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन तो बेचनी तो नहीं है ना। आप इससे सेटिस्फाइड हैं अभी तक? हाँ अच्छी गाड़ी है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप इससे में मिस करते हो दूसरी गाड़ी में? इतने पैसे लगा, पार्किंग सेंसर वगैरह होने चाहिए थे, फ्रंट और बैक, फ्रंट बैक तो बैक पे ही हो जाते ज़्यादा, या बल्कि सॉरी फ्रंट पे होते हैं ना इसके, लेकिन इसका फ्रंट कैमरा भी है वो भी मदद दे देता है। हाँ फ्रंट कैमरा, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। पाकिस्तान है फिर आपको हर चीज़ डाउनग्रेड करके ले जाते हैं, पाकिस्तान में कुछ ना कुछ फर्क तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो अंदर ये जो इन्होंने इसका वायरलेस का सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन वायरलेस अंदर दिया नहीं है, वायरलेस का सिस्टम इंटरनेशनल वायरलेस आता है ये, लेकिन इसमें पाकिस्तान में इन्होंने नहीं दिया। हाँ ये भी जवल मारी है इन्होंने काफ़ी अच्छी, ये देखे ना प्राइस की स्पेस बनी हुई है। क्या बस एक इन्होंने ना ये चेक किया जो पुराने वाले सिविक थे ना जिसको आप कहते हो 10th generation जी, उसमें काफ़ी जो कहते हो ना खाली बटन की जगह होती है, इसमें ये आप देख लो कि बस जो RS है उसका यहाँ पे वो है मोड चेंज करने वाला है जी,
नॉर्मली कोर स्पोर्ट्स है मेरे ख्याल से उसमें, उसका यहाँ पे बाकी आपको कोई ऐसी खाली जगह नजर नहीं आएगी, कोई ऐसी खाली स्पेस। हाँ बटन लग सकते हैं, लगाए नहीं है। हाँ अब फॉर एग्जांपल जो ग्रैंडी है या इस टाइम जो उसका चल रहा है मॉडल, जो उसका स्पोर्ट्स मोड का बटन है उसके साथ वाला बटन फ्री है, उसकी जगह बनी हुई है, उसके यहाँ पे करके एक आध फ्री है, दूसरी राइट साइड पे इधर तीन फ्री है। वो वहाँ पे इन्होंने ये है कि जितनी जगह है ना, जितनी जिस चीज की इनको जरूरत है इन्होंने वही मतलब ऑक्यूपाई किया, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं इन्होंने दी। मुझे आपको क्या लगता है ये वैल्यू टू मनी है पाकिस्तान में, क्योंकि ये 60 लाख को टच कर रही है इस टाइम। पैसे इसके काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो इसके मुकाबले में अगर आपने जब ये देनी थी, इसके मुकाबले में आपने क्या क्या सोचा हुआ था? नहीं आपको तो आपके तो पहले ये माइंड में पहले बताया कि ये हमारे ज़हनो गुमान में भी नहीं थी। हमने इससे भी एक एक्स बुक करवाई हुई थी लास्ट ईयर के, आई थिंक सितंबर में कि अक्टूबर में के कब, मेरे जहन में नहीं अभी। तो तब इनके पास इसका, जैसे पहले आपको बताया कि इनका यूनिट ख़त्म हो गए थे, इसकी सिविक एक्स की प्रोडक्शन ख़त्म हो गई थी, तो फिर उन्होंने यही कहा था कि आप लोग आपके माइंड में क्या था तब? सिविक एक्स जो सिविक एज इन पसंद आया घर वालों को भी और मुझे अपने यूज़ में भी, सिविक एक्स है इस टाइम, तो एक और भी बुक करवाई हुई थी उसकी जगह पे। फिर उन्होंने कहा था कि फुल पेमेंट कर दो तो आपको ये गाड़ी मार। तो आपने पहले दिन ही आपने सोचा नहीं था कि करें ना करें, कि यही नहीं कर देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट तो आया था कि पता नहीं ये मार्च में पेमेंट पूरी देते भी हैं कि मार्च में गाड़ी देते भी हैं कि नहीं, ये तो डाउट ऑब्वियसली होता है क्योंकि अभी जो डिलीवरी करवा रहे हैं तकरीबन मेरे ख्याल से उसको साल का टाइम दे रहे हैं, साल से भी ऊपर चला जाना है किसी ना किसी ने तो ले ही लेनी है ना। तो ये था आज का हमारा रिव्यू, ये जो हमारे नैन भाई है मेरा क्लास फेलो भी, और ये मेरे साथ हमारे फसी भाई, ये कैमरे, ये हमारे गाड़ियों के मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, मुझे इतना गाड़ियों का नहीं पता। ये प्राइवेट पार्क व्हील चलाते हैं, ये प्राइवेट पार्क व्हील चलाते हैं गुजरांवाला के अंदर, तो इन्होंने काफ़ी मदद की है हमारी इसके अंदर। तो वैसे भी इनका भी एक यूट्यूब का चैनल है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। बस ये क्या नाम था उसका? जस्ट रिव्यू इट। खानों का भी ब्लॉग करते हैं, उनकी एक वीडियो बहुत मशहूर है बरार भाई के साथ, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, वही होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि इसके अंदर सारा हमने कवर करें। तो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।